हो जाएगा कि अच्छा ज्यादातर लोगों की सैलरी ये होती है पाकिस्तान में, तो वो सैलरी आपने डाल दी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को फिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। मिसिंग डेटा मैंने बता दिया, वजह क्या हो सकती है, किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछो नहीं बताएगा आपको। ठीक है, खासतौर पर जो फीमेल्स हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर। एक तरीका तो यह है कि जो मिसिंग वैल्यू है अब वो इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड करनी पड़ेगी आपको, वो रिकॉर्ड जिसमें कोई कॉलम मिसिंग है, जिसमें कोई सेल मिसिंग है, उसको आपने डिस्कार्ड करना पड़ेगा। पूरी ऑब्जर्वेशन को ही डिस्कार्ड कर दो। या तो ये हो सकता है कि आप जो है पूरी ऑब्जर्वेशन को, मिसाल के तौर पर ये एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, अब इस पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस पेशेंट का डेटा उड़ा दो। या ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि ज्यादातर लोगों ने जो है अपना जेंडर नहीं बताया होगा, तो जेंडर का कॉलम ही उड़ा दो। कॉलम भी उड़ा सकते हो या रॉ भी उड़ा सकते हो। डिस्कार्ड कॉलम भी किया जा सकता है, डिस्कार्ड रॉ भी की जा सकती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी डिस्कार्ड की जा सकती है। वेरिएबल आपका, मिसाल के तौर पर जेंडर का वेरिएबल है, ये वेरिएबल ही डिस्कार्ड कर दो। टू फिल इन मिसिंग एंट्रीज विद एस्टिमेटेड वैल्यूज, कोई वैल्यू एस्टिमेट कर ली जाए, मीन निकाल लिया जाए, मीडियन निकाल लिया जाए, वो डाल दिया जाए, ये भी कर सकते हैं। या हम प्रेडिक्ट कराएं, डेटा को देख के प्रेडिक्ट कराएं, डेटा माइनिंग का कोई एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन या रेग्रेशन की मदद से हम उसको फिल कराने की कोशिश करें। रेग्रेशन क्या होता है, प्रेडिक्शन को कहते हैं रेग्रेशन। प्रिडिक्शन जो हमने पढ़ा था ना पीछे, दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब है आप बताओ कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, डेटा प्रिपरेशन के दौरान हमें ये भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत होती है कि ये डेटा मिस क्यों हो रहा है। ठीक है, वाई द डेटा इज बीइंग मिस्ड। अच्छा, यहाँ तक के बात समझ में आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। इफ द मिसिंग वैल्यू इज अ रैंडम ऑकरेंस, अगर मिसिंग वैल्यू रैंडमली मिस हो रही है, ठीक है, रैंडम है, ठीक है, कोई जो है इत्तेफाक से भूल गया, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है कि किस वजह से भूली जा रही है, तो हम कहेंगे मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, MCAR। लेकिन अगर ये कंप्लीटली रैंडम नहीं हो, किसी वेरिएबल की वजह से, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि जब जेंडर फीमेल आ रहा है, अगेन मैं ये एग्जांपल दूंगा, जब जेंडर फीमेल आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, तो ये कहेंगे मिसिंग एट रैंडम। एक मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम है, एक मिसिंग एट रैंडम है। एंड डेटा इज मिसिंग नॉट एट रैंडम इफ
The reason that the value is missing is related to the value of the variable. अगर वेरिएबल की अपनी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है वो, तो हम कहेंगे मिसिंग नॉट एट रैंडम. ठीक है, मिसाल के तौर पर सैलरी इतनी हाई है कि उसको स्टेट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा. ठीक है, अगर इस उस वेरिएबल की वैल्यू ऐसी है कि उसको छुपाना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट मिसिंग एट रैंडम. ठीक है, मिसिंग एट रैंडम और मिसिंग नॉट एट रैंडम का क्या मतलब है? मिसिंग एट रैंडम का मतलब है कि किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड है, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि मिसिंग एट रैंडम. लेकिन अगर वो अपने वैल्यू की वजह से उसको मिस किया जा रहा है, तो ये इट इज नॉट मिसिंग एट रैंडम. ठीक है, यहां तक के बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं. अक्सर जब आपके पास डेटा आता है तो डेटा में आउटलायर्स होते हैं, डेटा के अंदर आउटलायर्स होते हैं और एरेनियस डेटा होता है. एरेनियस डेटा का मतलब क्या है या आउटलायर का मतलब क्या है? डेटा में कोई ऐसी वैल्यू है जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो रही है. मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोगों की एज जो है 1 से लेके 60 तक होती है. अब किसी ने एज डाली हुई है 400 साल, तो ये आउटलायर है. 400 साल तो किसी की एज हो ही नहीं सकती, किसी ने गलत एज डाली है, ये एरेनियस है या आउटलायर है. ठीक है, किस सैलरी पूछी है किसी की? अब सैलरी जो है ज्यादातर लोगों की 20,000 से लेके 3 लाख 4 लाख इतनी होगी. अब किसी ने अपनी सैलरी डाली हुई है 1 करोड़ रुपए महाना, ये तो नहीं होगी सैलरी, ये आउटलायर है. तो आउटलायर को डेटा में से ढूंढने का तरीका क्या है? समरी स्टैटिस्टिक्स देखें आप, एक्सेल के अंदर होता है ऑप्शन, हिस्टोग्राम बना के देखें उसका, पिवट टेबल्स, स्कैटर प्लॉट्स, ग्राफ्स प्लॉट करके देखें. दूसरे लफ्जों में ग्राफ प्लॉट करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि डेटा के अंदर कुछ आउटलायर्स हैं. ठीक है, क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ आउटलायर्स में रिवील एन एरर और नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन वेदर द ऑब्जर्वेशन इज रेलेवेंट टू द करंट एनालिसिस. डेटा को क्लोजली आप मॉनिटर करें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या इस डेटा को हमें एनालाइज करने की जरूरत है या हमें छोड़ देना चाहिए इसको. ठीक है, डेटा को हमें कंसिडर ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आउटलायर है. कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है? अगर आप इतने ज्यादा मोहतात होके चलना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि आप डेटा जो आउटलायर है उसके बगैर आप डेटा माइनिंग अप्लाई करें और उसके साथ डेटा माइनिंग अप्लाई करें. मैंने जैसे पहले बताया, आप करते क्या है, इसके अंदर मॉडल बनाते हैं, मॉडल को सिखाते हैं, हम डेटा के थ्रू सिखाते हैं, लर्निंग करवाते हैं. लेकिन अब डेटा आपका सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो डेटा आपको लग रहा है खराब है उसके बगैर जो है मॉडल बनाओ और उसके साथ भी मॉडल बनाओ, देखो कौन सा ज्यादा अच्छा काम कर रहा है. अगर मॉडल जो है फर्क आ रहा है, आउटलायर के बगैर जो मॉडल काम कर रहा है और आउटलायर के साथ जो मॉडल काम कर रहा है, दोनों में कोई फर्क आ रहा है, अगर आउटलायर को हटा रहे हो तो कुछ और प्रेडिक्शन आ रही है, आउटलायर के साथ कुछ और प्रेडिक्शन आ रही है, तो आपको मजीद काम करने की जरूरत है, आपको
इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि आउटलायर किस वजह से आ रहा है। ठीक है, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, इन मैनी डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसके ऊपर एनालिसिस करना आसान नहीं होता। वेरिएबल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उसके ऊपर एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है एक्चुअली ये डायमेंशन कहलाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये डायमेंशनैलिटी ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, इस डायमेंशन को कम करा जाए, यानी वो काम जो हम 100 वेरिएबल से करा रहे थे वो हम 50 वेरिएबल से या 10 वेरिएबल से करा सकें। ठीक है, वेरिएबल्स की तादाद कम करें, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू डायमेंशन को कम किया जा सकता है। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप देखें कोरिलेशन निकाल लें, डेटा के बीच में कोरिलेशन निकाल लें, जो डेटा आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों से एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इन दोनों की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों की जरूरत नहीं है, कोई एक भी इस्तेमाल कर लें तो काम चल जाएगा। तो कोरिलेशन से हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो कि एक ही तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें से किसी एक को ले लिया जाए दोनों को लेने के बजाय। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को रिमूव किया जा सकता है, दोनों में से एक को, या इनको एग्रीगेट करके मिला के एक बनाया जा सकता है, तो इसकी मदद से मॉडल हमारा अच्छा बन जाएगा। वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग इज डिटरमाइनिंग हाउ टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड विच वेरिएबल्स टू कंसीडर। खास तौर पर जब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। और बाज़ औक़ात हम ये भी करते हैं कि हम रेशोज़ निकाल लेते हैं, दो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग देखने के बजाय, अलग अलग देखने से इतने इंसाइटफुल नहीं है, उससे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, जब उनको कंबाइन करके रेशो निकाल दिया जाए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को शो कर रहा हो, ये भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग पे नबील उसी पे ही आ रहे हैं हम। ठीक है, उससे पहले लेकिन हमें जो है थोड़ा सा ये देखना है हमने कि किस तरीके से डेटा को क्लीन किया जाएगा, डेटा क्लीनिंग हम देख लेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग अप्लाई करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कैटेगोरिकल वेरिएबल हो तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कंप्यूटर में जब भी आप काम कर रहे होते हो, खास तौर पर मशीन लर्निंग में या डेटा माइनिंग में, हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सुपरवाइज लर्निंग हो या अनसुपरवाइज लर्निंग हो, हमने तमाम इंफॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में देनी होती है, कंप्यूटर नंबर्स पे काम करता है।
टेक्सचुअल डेटा जो है उसको भी अल्टीमेटली नंबर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? टेक्स्ट डेटा है उसको भी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग की पहली टेक्निक, जिसको कहते हैं क्लस्टर एनालिसिस। यहां तक के बात समझ में आ गई? क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? आज तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे आप लोग। अच्छा जी, क्लस्टरिंग क्या होती है? द गोल ऑफ द क्लस्टरिंग इज टू सेगमेंट ऑब्जर्वेशंस इनटू सिमिलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व वेरिएबल। तो आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और आपने उस डेटा को ग्रुप करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उन बच्चों के मार्क्स जो हैं आपके पास आए। अब मार्क्स को देखते हुए आप जो है उसको तीन चार कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हो। पहला ग्रुप स्टूडेंट्स का वो होगा, ठीक है, जिन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स की